तात्या का कुत्ता ना पागल हो गया है और उसने हमारे बाबा साहब की फोटो जलाई है। तो मैं आप सब साथियों से ये अपील करती हूँ कि एक तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, फिर बताते हैं आगे करना क्या है। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर देना। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने आज वीडियो देखा, एक भाई हैं उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजा। जो फर्जी देशभक्त है ना, उन्होंने पार्टी बनाई हुई है, इसका नाम है जय प्रकाश मिश्र। जय प्रकाश मिश्र नाम का जो कुत्ता है जिसने अपनी पार्टी बनाई हुई है, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, तो बोरा गया है, पगला गया है। जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है, पूछती है, मानती है, इस कुत्ते ने उस व्यक्ति की फोटो जलाई है। जिस व्यक्ति ने इस भारत का संविधान लिखा, जब इनके घर में कोई केस होता है ना, इनकी बहन बेटी का बलात्कार होता है, मारपीट होती है, या कोई इनका हत्याकांड होता है, तब ये अपनी ऐसी तैसी मरवाने के लिए ना कानून का सहारा लेते हैं और फिर बाबा साहब की फोटो का विरोध करते हैं, बाबा साहब की फोटो जलाते हैं। इनकी दोगली मानसिकता, इनको आरक्षण से बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है इनको आरक्षण से। ठीक है, आपको आरक्षण से दिक्कत है, ठीक है, अगर आपको कुछ करना ही है तो आप जातिवाद खत्म कर दो ना, जातिवाद खत्म करो, आरक्षण तो वैसे ही खत्म हो जाएगा भाई। आप उसका आधार तो देखो कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, आरक्षण क्यों दिया गया। जो लोग समझदार हैं यहाँ पर गाली गलौज कोई मत करना, पहले बता रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ उसी व्यक्ति को गलत बोल रही हूँ, पूरे समाज को गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जो गलत करेगा मेरे महापुरुषों के साथ में वो सुनेगा भी अच्छे से, ठीक है। और ना हुआ है दिल्ली में इतने छित्र बजाती ना, ये चप्पल देखिए मेरी, ये चप्पल बजाती इस जयप्रकाश मिश्र के मुंह पर बजाती ये चप्पल, ठीक है। घर में बैठ के तो हर कुत्ता शेर होता है, ठीक है, कुत्ते को उसकी औकात बता दूंगी बहुत अच्छी वाली। जयप्रकाश मिश्रा, अगर तुझमें दम है ना तो दिल्ली आ जा, मैं नीले सागर निडर बाबा साहेब की बेटी है, समझ में, तेरे मुंह पर इतनी चप्पलें बजाऊंगी ना तू याद रखेगा, तूने जो घटिया हरकत की है ना बाबा साहेब की फोटो जला करके, ठीक है, तेरे मुंह पे चप्पल मैं मारूंगी, मैं नाम नोट कर ले, ठीक है, और दिल्ली के अंबेडकर भवन में आ जाइयो, चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, ठीक है। मार मार के तेरे ऊपर थूथड़ी बिगाड़ दूंगी जो तू जिस दुनिया में जी रहा है। और आज सवाल आरक्षण का, आके लाइव डिबेट कर, बात करा के मैं बताऊंगी कि क्यों आरक्षण दिया गया था, क्या वजह थी आरक्षण की, ठीक है, बाद में भौंकी हो तू। तुमसे जातिवाद खत्म नहीं होता, जातिवाद करो तुम, धर्मवाद करो तुम, बलात्कार करो तुम, ठीक है, और दोष हमारे बाबा साहेब को, ठीक, कि बाबा साहेब की वजह से इनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इनके बच्चे मर गए, आरक्षण की वजह से इनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है रामखोर, ठीक। सब साथियों से अपील करती हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन जो भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, ठीक है, इस कुत्ते की FIR करवाओ, और मैं तो कहती हूँ इसको गले में इसके पट्टा डाल के, कुत्ते वाला पट्टा डाल के उसको लेकर आओ घसीट के, ठीक है, कि इसने किसका अपमान किया है। जिस पुरुष ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं, ठीक है, किसके लिए, हमारे लिए, ठीक है, इनकी महिलाएं, इन्होंने अपनी महिलाओं को क्या अधिकार दे रखे थे, इस जयप्रकाश मिश्र को बोल रही हूँ, ठीक है, हिंदू कोड बिल पढ़ ले, तुमने अपने मनुस्मृति के अकॉर्डिंग अपनी महिलाओं को कितने अधिकार दिए थे, वो मेरे बाबा साहेब ही थे जिन्होंने जातिवाद धर्मवाद नहीं किया, सबको बराबरी का अधिकार दिया। वो चाहते वो भी तुम्हारी तरह घटिया हरकत कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। एक मानवतावादी इंसान को तुम इतनी गंदी मानसिकता से, मतलब शर्म आनी चाहिए, इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए भाई।
और मैं तो कहती हूँ सारे लोग इस पर भाई देशद्रोह का मुकदमा लगवाओ, क्योंकि इसने संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है और इसे कुत्ते की तरह मारो, रोड पर लाके कुत्ते की तरह खूब घसीट घसीट के। और जो भी शादी ऐसा करना चाहते हैं मैं सपोर्ट करती हूँ, मुझे ले चलो ना, इसको घर से बाहर निकाल के मारा तो मेरा भी नाम नहीं, जेल होगी फांसी होगी, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसे डर डर के नहीं रहना, ये देश हमारा भी है और हम इस देश के मूल निवासी हैं। ठीक है, ये यूरेशियन, ये दो कौड़ी के कुत्ते हमें बताएंगे, हमें सिखाएंगे, ये हमारे बाबा साहब का अपमान करेंगे। अरे मार मार के ना इनका मुंह का ना, बस बहुत गुस्सा है मुझे इस वक्त, बहुत ज्यादा गुस्सा। इनको बताती मैं अच्छे से, घर में बैठ के कुत्ता शेर बन रहा है, घर में बैठ के। इतना ही तेरे पिछवाड़े में दम है ना, तो सड़क पे आ, सबके सामने आके बात कर हम लोगों से। ठीक है ना, हम तुझे बताएंगे। वर्ण व्यवस्था तुमने बनाई, ऊंच नीच तुम करते हो, जातिवाद तुम करते हो। ठीक है, और बात करते हो तुम बराबरी की, आरक्षण की बात करते हो। हमने कब मारा था, हमने कब मांगा था आरक्षण, कब मांगा था हमने आरक्षण? तुम जातिवाद क्यों नहीं खत्म करते? सबको इक्वल कर दो ना, रोजगार सबको बराबर दो, एजुकेशन सबको बराबर दो, हर चीज बराबरी की बात करो ना। बराबरी की बात करने पर तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती है तुम्हारी। ठीक है, बाबा साहब ने क्या किया था, बाबा साहब ने जो किया ना, तुम्हारी सात पुश्तें नहीं कर पाएंगी, सात पुश्तें जो बाबा साहब ने किया है। इतने मानवतावादी थे हमारे बाबा साहब, किसी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया, सिर्फ अपने लोगों को अगर उन्होंने थोड़ा सा हक दिला दिया बराबरी से जीने का, तो तुम्हारे इतनी मिर्चें लग गईं। एक काम करो, तुम लोग अपना बोरी बिस्तरा बांधो और यूरेशिया चले जाओ सीधे, भारत तुम्हारे रहने लायक जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंसान बसते हैं, इंसानियत बसती है यहाँ पर। तुम जैसे घटिया लोगों ने जो इस देश का बंटवारा किया है ना, तुम जैसे घटिया लोगों ने दुनिया भर के बलात्कार हो रहे हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, इन हरामखोरों को वो चीजें नहीं दिखती हैं। जिसका खाते हैं उसी को गाली देते हैं, इसे कहते हैं दोगलापन, एक नंबर के दोगले। जिस संविधान की बदौलत इनके बच्चे जॉब करते हैं, ठीक है, जिस संविधान की बदौलत इनके बच्चे पढ़ते हैं, विदेशों में जाते हैं, ठीक है, और उसी व्यक्ति को गाली दे रहे हैं ये हरामखोर। आओ तुम दिल्ली आओ तो मैं बताती हूँ अच्छे से। और जो भी साथी अगर गोरखपुर जाना चाहता है, ये गोरखपुर कल्याणपुर गांव का है, मतलब अभी जो नवाब सतपाल तंवर भाई हैं उन्होंने डाला था अपना, तो उस पर मैंने देखा था। गोरखपुर के जितने भी भाई हैं, इसको पकड़ो, इसके छित्र बजाओ मुंह पर, क्योंकि इसने बहुत, मतलब मेरे, मैं बहुत सच में मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं हो रहा गुस्सा, सामने होता तो शायद मैं छित्र बजाई देती, मैं इतना इंतजार नहीं करती ना, मैं बोलती सच में, सीधा कॉलर पकड़ के यहीं गली में घसीट के मारती, ऐसे डर के नहीं रहती। और इतना ही बड़ा मर्द है ना तू, जयप्रकाश मिश्र, ठीक है, मैं बाबा साहब की बेटी नीलेश अम्बेडकर, ठीक है, आजा दिल्ली में, कुत्ता कैसे बनाते हैं ना, मैं बनाऊंगी तुझे कुत्ता, मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का। ठीक है, आजा, चलवाती हूँ तुझे मैं राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, चलवाती हूँ तुझे, बहुत अच्छी पार्टी तेरी, आजा देखती हूँ, तेरे गले में कुत्ते वाला पट्टा अगर मैंने नहीं डाला ना, तो मेरा नाम नीलेश नहीं। भाई मरना एक बार है, डर डर के नहीं जीना है, ठीक है। और अब सभी भाइयों बहनों से अपील कर रही हूँ, भाई बहुत हो गई गुलामी, ठीक है, डर डर के रहना बंद करो, इनका सामना करो, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, ये हर बार आएंगे हमारे महापुरुषों को अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे और चुपचाप माफी मांग लेंगे, चले जाएंगे। इनको छोड़ो मत, सीधी इनको सजा दिलवाओ, बिना सजा दिलाए इनको मत छोड़ो। और मैं तो कहती हूँ जहां ये लोग मिले सजा का प्रावधान मत रखो, फैसला ऑन द स्पॉट, तुरंत फैसला पकड़ो और पीटो कूटो, ये भी तो ऐसा ही करते हैं, ये कौन सा बख्श देते हैं, सीधा इनको कूटो, मतलब हद हो गई। बाबा साहब की फोटो जला रहा है, आप लोगों को मैं भी वीडियो अपने इसके साथ में अटैच कर दूंगी, डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, देख लेना आप लोग वीडियो, या फिर नाम सर्च कर लीजिए आप लोग, इसका पेज बना हुआ है राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदी में सर्च कीजिएगा फेसबुक पर, आ जाएगा, उस पर इसकी घटिया वीडियो देखिए, बहुत, एक नहीं बहुत सारी वीडियो डाली है इसने,
और इतना गंदा गंदा इसने बोला हुआ है हमारे लोगों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में। तो ये सिखाएंगे हमें कि हम क्या करें और क्या ना करें। रहा सवाल आरक्षण का, तो भाई तू जातिवाद खत्म करवा दे, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जातिवाद इक्वलिटी की बात कर, ठीक है, कोई सवर्ण नहीं रहेगा, कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा, कोई वैश्य नहीं रहेगा, कोई शूद्र नहीं रहेगा, ठीक है, सब इक्वलिटी की बात कर, नहीं तो मैं तुझे बताऊंगी आरक्षण क्या होता है, ठीक है, और कैसे देते हैं। सही समय का इंतजार है, बदला तो मैं तुमसे लूंगी, ये मत सोच रहा कि मैं शांत बैठी हूं। मतलब इतनी इनकी घटिया सोच है, सोचो अब बाबा साहब अगर ना होते तो सोचो हम लोग का क्या हाल होता। ये लोग तो हमें किसी लायक समझते ही नहीं, कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा बदतर समझते ये। आज अगर हम थोड़ा पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको वो चीजें पच नहीं रही हैं। सारे साथी, जितने भी साथी मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं या फिर जो बाद में भी अगर जो लोग वीडियो देखेंगे, सारे साथी, इसका ये पेज है राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, इसका नाम है जय प्रकाश मिश्र, ठीक है ना, इसकी FIR करवाइए सब जगह से, इसको सबक सिखाइए, ठीक है। और मैं तो ये कहती हूँ कि इसको तो अगर गोरखपुर के जो भी साथी हैं, जो भी वहाँ पर अगर भीम सेना है या भीम आर्मी है या जो भी हमारे संगठन काम कर रहे हैं बहुजन समाज के जो भी संगठन है, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि भाइयों इसको सबक सिखाओ और बहुत अच्छे वाला सबक सिखाओ, ठीक है। इसको बताओ कि अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उनकी ताकत क्या है, बाबा साहब का अपमान करने का मतलब क्या है, और देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए इस घटिया इंसान पे, देशद्रोह का। अब अंजना आंटी भी नहीं आएंगी, अर्णव गोस्वामी भी नहीं आएगा, ठीक है ना, अब श्वेता तिवारी भी नहीं आएगी, उसने इतना घटिया कृत्य किया है, ठीक है ना, और रवीश कुमार भी अब नहीं बोलेंगे, अब कोई इस वीडियो को सार्वजनिक चैनल पर नहीं दिखाएगा, ठीक है, और हमारी आईडी तुरंत बंद कर देंगे। अगर हम सच्चाई दिखाएंगे, हम सच्चाई बोलेंगे, तो हमारी आईडी को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सबके कान में उंगली है, आंखों पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये वीडियो 14 तारीख का, 14 अप्रैल का, 14 अप्रैल वाले दिन इस कुत्ते ने घटिया, मतलब ऐसी घटिया हरकत की है, बाबा साहब का अपमान, मतलब पूरे देश का अपमान किया है इसने। 14 तारीख से ये वीडियो, एक सेकेंड, 26,000 तो शेयर हैं, 27,000 कमेंट हैं इस पे, 2700 कमेंट हैं, ठीक है, 1,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। अब आप सोचिए क्या किसी न्यूज चैनल वाले को ये वीडियो नहीं दिखी, इन्हें दुनिया भर की हिंदू मुस्लिम इनसे करवा लो, इनसे भारत पाकिस्तान करवा लो, ठीक है, बस ये डिबेट आती हैं, लेकिन ये वीडियो क्यों नहीं दिखाते है? ये भी दिखाना चाहिए ना कि इस घटिया आदमी ने बाबा साहब का अपमान किया, संविधान रचयिता का अपमान किया, इस पर FIR होनी चाहिए, इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं दिखाते हो, ये भी दिखाओ ना। लेकिन नहीं, सब बिके हुए हैं, जितनी मीडिया है ऑल टोटल मीडिया बिकी हुई है, मिनिस्ट्री मीडिया, मैं तो मिनिस्ट्री मीडिया देखती नहीं हूँ, ये चैनल देखती नहीं, मीडिया वाले इसी वजह से नहीं देखती हूँ मैं तो। कहती भाई देखो, आप पंजाब में हो या राजस्थान में हो या यूपी में हो या हरियाणा में हो, देश के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आप इसकी, आप वहां से भी ऑनलाइन भी FIR होती है, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, इसके वीडियो सारे यहां पर इसके उस पर पड़े हैं, बाकी मैं सारे यहां पर अटैच करके डाल दूंगी, डाउनलोड कीजिए फेसबुक से और इसकी CD निकाल के इसकी FIR करवाइए सब जगह से, ठीक है। ऐसे घटिया लोगों को देश में रहने का, हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है, ऐसे घटिया लोगों को जो इस देश का संविधान नहीं मानते, ठीक है ना, ऐसे लोगों को तो देश से निकाल देना चाहिए, ऐसे घटिया लोगों को रहने का कोई हक नहीं है, इनसे सिर्फ लड़ाई दंगे करवा लो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इनसे दंगे करवा लो, जातिवाद के नाम पे दंगे करवा लो, बस जय श्री राम के नाम से किसी को भी मरवा लो, इनसे सिर्फ ये होता है और कुछ नहीं होता, इनसे आप अच्छा काम की आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, इतनी घटिया मेंटेलिटी बन चुकी है इन लोगों की, ये कुछ भी करेंगे हम बर्दाश्त करें, भाई इनकी सरकार है, इसलिए सरकार है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रगों में खून नहीं है, ठीक है, सरकार चाहे जिसकी भी हो, चित्तर तो बजेंगे बेटा और अच्छे वाले बजेंगे, मिल तू। जितने भी साथी हैं, मैं अपनी लाइफ फिनिश करने जा रही हूँ, आप सभी साथियों से दोबारा हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, अगर थोड़ा सा भी आप बाबा साहब को मानते हो, थोड़ा सा भी आप संविधान को मानते हो और थोड़ी सी भी शर्म आपके अंदर है, सारे लोग
ऑनलाइन बहुत सारी कंप्लेंट हो सकती है, बहुत सारी एफआईआर हो सकती है। आप ट्विटर पे जाकर भी कर सकते हो, फेसबुक के माध्यम से भी कर सकते हो, और वैसे अपने जो पास में आपका जो भी नियर थाना है, ठीक है, 2, 4, 6 लोग, 8 लोग मिलकर की वीडियो निकालिए, वीडियो को सीडी में डलवाइए, डलवाने के बाद में सीधा थाने में, इसकी पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका ये अध्यक्ष है जयप्रकाश मिश्र, इसकी एफआईआर कीजिए, इसको सबक सिखाइए कि इसने किस व्यक्ति का अपमान किया है। भाई मैं तो अपने बाप का अपमान सह नहीं सकती, ट्विटर पे भी अभी डालूंगी, ठीक है, और यहाँ थाने में भी जाऊंगी अपने जो मेरा नज़दीकी थाना है वहाँ पर भी सीडी निकलवा के सीधा भाई कंप्लेंट करूंगी। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई, मेरे बर्दाश्त की बात, मेरे बर्दाश्त की हद से पार है बिल्कुल, ये समझ लो। और ये शायद ये दिल्ली में होता, शायद, सच बता रही हूँ अपनी मम्मी की कसम, इसे घसीट घसीट के कुत्ता बना के ना मारती तो मेरा नाम नीलेश नहीं, इतना गुस्सा है इस वक्त मुझे। ये हमारे बाबा साहेब को अपमानित करेगा और हम देखते रहेंगे। तो भाई सभी साथियों से अपील है, इसको सबक सिखाइए और बहुत अच्छे वाला सिखाइए, इसको बताइए कि हम कौन हैं और बाबा साहेब कौन थे। जय भीम, जय भारत। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।